कबूतर और शिकारी की कहानी। बहुत पुरानी बात है कि कबूतरों का एक झुंड रहता था। वह जिस स्थान पर रहता था वहाँ एक बार भयानक अकाल पड़ा। आसपास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। झुंड के सभी कबूतर भूखे थे। कबूतरों का एक मुखिया था जिसका नाम चित्रगुप्त था। कबूतरों के झुंड के चित्रगुप्त ने अनाज की तलाश में दूसरी जगह उड़ान भरने की आदेश दिया। चित्रगुप्त ने एक जवान कबूतर को यह जिम्मेदारी दी कि वह देखते चले कि ज़मीन पर अनाज किस जगह मिलेगा। वह जवान कबूतर सबसे नीचे उड़ान भर रहा था और भूख के कारण सभी कबूतर शक्तिहीन हो गए थे। जवान कबूतर को एक जगह अनाज बिखरा दिखाई दिया। उसने जानकारी चित्रगुप्त को दी। भूख से व्याकुल झुंड की परेशानी को देखते हुए चित्रगुप्त ने झुंड को नीचे उतरने का आदेश दिया। सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे, लेकिन वह दाना एक शिकारी ने फेंक रखे थे और एक वृक्ष के पर जाल तना रखा था। जैसे ही कबूतरों के झुंड ने दाना चुगना शुरू किया, शिकारी ने जाल नीचे गिरा दिया और कबूतर उसमें फंस गए। कबूतरों का सरदार चित्रगुप्त पछताते हुए कहा, ओह, यहाँ तो शिकारी ने जाल फेंका था और हम भूख से इतने व्याकुल थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। उनमें से कुछ कबूतर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे और कुछ रोने लगे। किसी ने कहा, शिकारी अब हम सभी को मार देगा। लेकिन उनका सरदार चित्रगुप्त गहरी सोच में था और कहने लगा, जाल बहुत मजबूत है, हम में से कोई इसे नहीं काट सकता, परंतु एकता में बहुत बल होता है। यदि हम सब मिल जाए तो मौत को भी मात दे सकते हैं। उनमें से एक कबूतर बोला, सरदार स्पष्ट बताओ, क्या कहना चाहते हैं? सरदार चित्रगुप्त बोला, तुम सब मिलकर अपनी अपनी चोंच से जाल को पकड़ना और जब मैं उड़ने के लिए फुर्र बोलूं तो एक साथ उड़ जाना। सभी कबूतरों ने सरदार की बात मान ली और आगे की योजना बनाई। शिकारी कबूतर को अपनी तरफ आते देख उसमें से जाल तक आने से पहले चित्रगुप्त ने फुर्र बोला और सारे कबूतर एक साथ दम लगाकर उड़ान भरी तो पूरा जाल ऊपर उड़ गया और कबूतर को जाल लेकर उड़ गए। यह दृश्य देखकर शिकारी बहुत अचंभित हो गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी कबूतर उसकी पकड़ से दूर जा चुके थे। कबूतरों को उड़ता देख शिकारी भी जाल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि कबूतर जाल लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएंगे। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने शिकारी को पीछे आते देखा तो थोड़ा भयभीत हुआ, परंतु उसने जाल से निकलने की योजना बना ली थी। पास ही एक पहाड़ी पर उसका एक मित्र हिरणकर नामक चूहा रहता था। सरदार ने सभी को उसी दिशा में जाने का आदेश दिया जिधर उसका मित्र चूहा रहता था। कुछ ही देर में सभी कबूतर चूहे के बिल के पास उतर गए। सरदार ने अपने मित्र चूहे को आवाज़ लगाई, भाई हिरणक, अपने बिल से बाहर आओ, आज तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हिरणकर ने चूहा अपने मित्र चित्रगुप्त की आवाज़ पहचान गया और जैसे ही बिल से बाहर आया, चित्रगुप्त ने संक्षेप में सारा किस्सा सुना दिया और जल्द से जल्द जाल काटने के लिए कहा। चूहे ने कुछ ही समय में जाल काट दिया और सारे कबूतर स्वतंत्र हो गए। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और कबूतरों का झुंड फिर से आज़ादी से आसमान में उड़ने लगा। शिक्षा। कबूतर और शिकारी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बल होता है। संगठित होकर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। धन्यवाद।